विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। बतारीख 23 अप्रैल बरो से मंगल को पिकॉक रेस्टोरेंट में जमीयतुल उलमा डिस्ट्रिक्ट करीमनगर के ज़ेरे एहतमाम में एक अहम जायज़ा इजलास शऊर बेदारी मुनक़िद किया गया, जिसका उनवान मुल्क में हालत हाजरा और इंतखाबात में हमारी ज़िम्मेदारी मुनक़िद किया गया, जिसके पासवान मिल्लत हज़रत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर साहब और मेहमान खसूसी के तौर पर मोहम्मद अब्दुल खवी साहब, सदर दीनी बोर्ड तेलंगाना, हाफिज पीर हकीक शब्बीर साहब, जामेतुल उलमा जनरल सेक्रेटरी रियासत आंध्रा व तेलंगाना मौलाना ख्वाजा कलीमुद्दीन असदी, नायब सदर जमीयतुल उलमा आंध्रा व तेलंगाना। और इस प्रोग्राम में पार्लिमानी इलेक्शंस में अपनी कौम को नींद से उठाना चाहिए और पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने पर उम्मीद जाहिर की गई और इस पर तवज्जो दिलाई गई, वरना 5 साल तक पछताना होगा। और दुश्मन मुल्क की तारीख देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भी मुस्लिम दोस्त नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल को बदलने की कोशिश की जा रही है और हमको सेकुलर हुकूमत को हमें भारी मेजॉरिटी से जितवाने की ज़रूरत है, ताकि देश के क़ानून को बचाया जा सके और हिंदुस्तान को गुलदस्ते जैसा मिसाल कायम की जाए। इस प्रोग्राम में करीमनगर की बड़ी अहम शख्सियत को बुलाया गया था, शऊर बेदारी किया गया। आइए देखते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है करीमनगर से नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद शफीक अहमद और अफरोज़ खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए ये खसूसी रिपोर्ट। कौमी इलेक्शन के अंदर तो एक खिताब में आवाम से अमूमी खिताब उसने कहा कि मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि लीडर बनो, लीडर बनना हमसे सीखो। तुम 50 साल से हमारे वाली साहब की चमचागिरी करते रहे, एक लीडर नहीं बना। तो ये जो बात उसने कही तलख है, तकलीफ देह है, लेकिन सच्चाई की नुमाइंदगी करती है। सिर्फ किसी के पर डिपेंड है, सिर्फ किसी के पीछे पीछे फिर नहीं हमारी लीडरशिप है, आगे पीछे दौड़ना ही हमारी लीडरशिप है। हम क्या आपके इस मुल्क के अंदर जितनी कौमें भारत के अंदर हैं वो सब के सब पीछे थी और मुसलमान उनका इमाम था और उनका मुक्तदी था। जो बाबा कौम है आज जिस शख्सियत का बारे में हमारे वजीर आजम ने कहा कि अगर मुसलमान कुछ नाम लेते भी हैं मुल्क का, भारत का, तो वो अपने बादशाहों के हवाले से इस मुल्क को पसंद करते हैं, वो गांधी के हवाले से नहीं पसंद करते। लेकिन उनको मालूम नहीं, या वो जानबूझकर इस हकीकत को छुपाते हैं कौम से कि गांधी को गांधी जी बनाने वाले भी मुसलमान ही थे। जमीयत उलमा ने उनका इंतखाब किया, जमीयत उलमा ने पूरे मुल्क का दौरा करवाया और हर जगह उनका साथ दिया, उनको आगे रखकर खुद को पीछे रखा, ताकि ये मुल्क मुत्तहिद हो जाए और जो मकसद है हिंदुस्तान की आज़ादी का वो हासिल हो जाए। इसके लिए किसी चीज में भी उन्होंने अपने आप को नहीं लाया, अपनी अपनी अनानियत को नहीं पेश किया। ऐसा भी हो सकता था कि नहीं साहब, शेखुल हिंद ही बाबा ए कौम होंगे, क्योंकि उन्होंने ही तो तुम्हारा इंतखाब किया, उन्होंने ही तो तुम्हें बंबई से बुलाया, तुम्हारी मुलाजमत छुड़ाई और इस काम में लगाया, लिहाजा वो होंगे बाबा ए कौम। हमने किसी चीज का भी इसरार नहीं किया, किसी चीज पर भी मुतालबा नहीं किया। हर कुर्बानी इस बुनियाद पर दी कि मुल्क की सरजमीन आजाद हो जाए। मुसलमानों के अंदर शऊर की बेदारी के लिए एक बहुत बड़ा काम जो हमारे उलमाए कराम कर रहे हैं कि वोट का डालना, अपने घरों से निकलना और इंतखाबात में अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना, इसको एक दीनी जिम्मेदारी की हैसियत से, एक दीनी फरीजे की हैसियत से उम्मत के सामने पेश कर रहे हैं, एक बहुत खुशाइन बात है। उलमा कहें कि वोट डालना आपका दीनी फरीजा है, तो कम अज़ कम उम्मत के अंदर एक बेचैनी पैदा होगी, उनके अंदर एक अंगड़ाई आएगी
उनके अंदर एक कुछ ना कुछ इस किस्म की फिक्र पैदा होगी कि वोट डालना दीनी फरीजा है, इसलिए मुझे और आपको घर को निकलना है, घर से निकलना है। लेकिन एक मनफी पहलू इसका, एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि क्या उम्मत का सियासी शऊर, क्या उम्मत का सियासी बसीरत, क्या उम्मत की सियासी हसासियत और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी इतनी कमजोर हो गई कि हिंदुस्तान के इतने सख्त तरीन हालत के बावजूद एक काम के लिए उम्मत को दीनी फरीजा बताकर पेश करना पड़ रहा है। और जिस किस्म का नफरत और जिस किस्म का जहर इन्होंने 10 साल में घोला है, क्या इसके बाद भी उम्मत के अंदर इतना सियासी शऊर बेदार नहीं हुआ, तो फिर आखिर किस सजा का ये इंतजार कर रहे हैं? तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुपता हुआ सवाल है कि आज भी इस हालत में उम्मत को दीनी फरीजे का सहारा लेकर उम्मत को बताना पड़ रहा है कि वोट डालना तुम्हारी एक दीनी जिम्मेदारी है। मैं तो कहता हूं कि यकीनन ये दीनी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ साथ उम्मत के अंदर सियासी बसीरत पैदा करना, उम्मत के अंदर सियासी शऊर पैदा करना, उम्मत के अंदर सियासी हसासियत पैदा करना, ये हमारे लिए आने वाले दिनों का एक तवील मुद्दती एक हमारा मंसूबा, लॉन्ग टर्म हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। नाज़रीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहां पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेरे निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए, हमारा पता है मासअप टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,